इसराइल पर ईरान के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हमले के बाद इसराइल लगातार ये धमकी दे रहा है कि जल्द ही वो बड़ी जवाबी कार्रवाई ईरान पर करेगा, जो उसने करके भी दिखाया। 19 अप्रैल को तड़के इसराइल ने एक के बाद एक कई हवाई हमले ईरान पर किए। बता दें कि इसराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला किया है जो जंग के लिहाज से उसके लिए बेहद ही खास माना जाता है। इसराइल ने ईरान के इस्फहान शहर पर ड्रोन से हमला किया था, मगर इन हमलों को ईरान ने बचकाना बताकर इसराइल का मजाक उड़ाया। NBC न्यूज के मुताबिक इस पर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा, शुक्रवार तड़के मध्य ईरान के इस्फहान पर ड्रोन हमले में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया वे बच्चों के खिलौने जैसे थे। कल रात जो हुआ वह स्ट्राइक नहीं थी, वे उन खिलौनों की तरह थे जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। NBC न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में अब्दुल्लाहियन ने वॉर को आगे न बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि इसराइल की ओर से जब तक हमारे हितों के खिलाफ कोई नया दुस्साहस नहीं किया जाता तब तक हमारी ओर से प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर चेतावनी जारी करते हुए ये भी कहा कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया और यह साबित हुआ तो हम भी तुरंत मुंहतोड़ जवाब देंगे, बाद में इसके लिए इसराइल को पछताना पड़ेगा। रिपोर्ट्स की माने तो इसराइल और ईरान फिलहाल दोनों ही पीछे हटने की योजना बना रहे हैं। हालांकि अभी दोनों देशों की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी काउंसलर भवन पर बमबारी के बाद 13 अप्रैल को इसराइल पर ईरान ने 300 से ज्यादा अधिक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। इसके बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के बयान का किसी ईरानी अधिकारी ने समर्थन नहीं किया है। अभी तक इसराइल की ओर से भी आने वाले समय ऐसे में हमलों की बात नहीं की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये बयान विदेशी धरती पर दिया है। अमीर अब्दुल्लाहियन इस वक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। वे अमेरिका के न्यूयॉर्क में हैं। विदेश मंत्री के खिलौने वाले बयान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस हमले को बहुत हल्के में लिया है। इसराइल ने भी ऐसा कोई संदेश नहीं दिया है कि उनका ये अटैक सिर्फ एक ट्रेलर है। इसराइली बंधकों की रिहाई के लिए वार्ता में कमी वास्तव में इसराइल हमास युद्ध और इसराइल ईरान के बीच तनाव की किसी भी संभावित समाधान के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, इजरायली सेना हमास को नष्ट करने या गाजा के अंदर नेताओं को गिरफ्तार करने में सक्षम है, ये हमास को निरस्त्र करने में सक्षम नहीं है। वह हमास के हथियारों और उपकरणों को भी नष्ट नहीं कर सकता है।